क्या रे, तेरा ग्रीन कार्ड का क्या हुआ? अबे यार, एक तो ये ग्रीन कार्ड के डेट्स कितना आगे पीछे करेंगे, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा कि इंटरफाइल करूं कि वापस 485। अरे चल, मैं निकल रहा हूँ, मेरे को जाने के। अबे अबे रुक ना, अबे अबे तेरे को फोन करता हूँ ना, चलना है, चल। अबे रुक जा यार। अबे रुक ना। What's up, bro? साले, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? और जब से तुम मुझे ना पार्किंग लॉट में कान फूके गए ना, तब से तेरा सबकॉन्शियस मुझे कैमरा बन के सता रहा है यार। इन-लॉज जा रहे हैं? If I'm not wrong, 10 दिन का नॉलेज ट्रांसफर अभी भी बाकी है ना? इतनी जल्दी जा रहे हैं? इन-लॉज नहीं, मैं जा रहा हूँ यार। What? कहाँ भाग रहा है इस साले? पता नहीं कहाँ पर यार, ये सब स्ट्रेस से दूर। Varun, where are you going? You can't chicken out from the situation. I'm also coming. अंदर इन-लॉज और पेरेंट्स की जुगलबंदी चल रही है और बैंड हमारा बज रहा है यार। मुझे लगा तेरे पेरेंट्स और तेरे जीज बड़े कूल है, दिल चाहता है वाले टाइप फ्रेंड्स। ये मेरे जले पे नमक नींबू मिर्ची छिड़क रहा है क्या साले? तू भाग यहां से यार, भाग यहां से तू साले। Why bro? Why you hating? तू भागने दे। Whoa, why you hating? जूता लेके भाग गया यार वो। भागने गया, आ रहा है। ले पेन। अबे बैठ। कहाँ जा रहे हैं? या तुम भी चलो। कहाँ जा रहे हैं? अरे चलो, अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। क्या? I'm so tired यार। I mean, क्या सोचा था? और क्या हो गया? Is this what it comes to? I mean, I'm not even sure where my life is heading. यार। रिया, तुम ठीक से बताओ क्या हुआ था? मतलब हर दिन ना घर पे कुछ ना कुछ। हाँ, यानी कि स्क्विड गेम्स का एपिसोड माँ बाप सेट कर रहे होंगे और खेलना तुम दोनों को पड़ रहा होगा, राइट? या राइट। व्हाट यार राइट, मेरे पेरेंट्स जरा भी इंटरफेरेंस नहीं करते। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप बड़े संत लोग हैं क्या? डोंट इवन कंपेयर देम। क्या क्या किया क्या है उन्होंने बताओ? तू चुप बैठना यार। रिया, तुम डिटेल में बताओ क्या हुआ था। इतना इंटरफेरेंस करते हैं ना यार इसके पेरेंट्स, ठीक से अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेने देते। मतलब एक तो इनके हिसाब से चलो, ऊपर से उनके ताने भी सुनो, और जब देखो तब हमारी पोती हमारी पोती हमारी पोती। 9 महीने बैंड मेरी बजी ना, और डिलीवरी होते ही स्टैम्प हमारी पोती का मार दिया उसके ऊपर। अच्छा, तुम्हारी माँ, इसकी माँ मतलब? मतलब बोल बोल। इसकी माँ मतलब ना खुद के मतलब के आगे कुछ है नहीं। नजर उतारने के लिए नींबू मिर्ची निकाली तो बोलती भुट्टा सेक ले मेरे लिए। भुट्टा नहीं, पोहा बोला था, कुछ भी। देखा कौन करता है ऐसे पोहा? एटलीस्ट वो प्रोग्रेसिव तो है, तुम लोगों की तरह ऑर्थोडॉक्स नहीं है। ऐसे प्रोग्रेसिव से तो ना हम ऑर्थोडॉक्स बेटर है। एटलीस्ट ऐसे समय पे ना अच्छा खाना खिलाना प्रेफर करते है, नहीं तो दाल बनाओ हर दूसरे दिन, बाहर से ही खाना मंगवाओ। अच्छा, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। मतलब तुम्हारी माँ अच्छे खाने के साथ साथ भड़काने का तड़का भी लगाती है। अरे रुको 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 यार, पूरी महाभारत का एक ही एपिसोड में बताओगे? मेरे क्लाइंट की तरह मत करो, डिटेल रिक्वायरमेंट्स दो। मुझे कोई एक इंसिडेंट क्लियरली बताओ। चलो मैं बताती हूँ। तो हम सब लोग मिलके गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे थे और ईशा पापा की गोद में आराम कर रही थी, लेकिन पापा जी ने उसकी गर्दन ठीक से नहीं संभाली थी और मम्मी ने सिर्फ उनको कहा भाई साहब उसकी गर्दन जरा ठीक से संभालो। Which she did and corrected. Yeah, but instead of apologizing and saying sorry, मम्मी को ही ताना मार दिया यार उन्होंने। अच्छा, सबसे पहले साले बोला था इस लफड़े में मत पड़। अरे नहीं यार, हमारे वाले काफी कूल थे। अबे चुप। मतलब लगा था कूल है, पर माँ बाप तो छोड़, मुझे तो लग रहा है कि हम दोनों में भी कंपेटेबिलिटी नहीं है। अगर खुद का क्लोन बनाकर भी एक रूम में रखा ना तो खून खराबा हो जाएगा उन दोनों के बीच। यहाँ तो 4 अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से है बॉस, लफड़ा तो बनता ही है। आई नो, मतलब ऐसे दूसरों के पेरेंट्स के साथ एडजस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। एक्चुअली आई डोंट वांट टू,
बट आई एग्री विद हर ओनली ऑन दिस पॉइंट. और प्राइवेसी भी तो चाहती है. तू देसी है, तू अपने पेरेंट्स से प्राइवेसी मांगेगा ना, वो तेरी आजादी छीन लेगी. इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट इम्पॉसिबल. बोलने में आसान है यार, करने में नहीं. अच्छा ये देख, अंकल आप देखो ना. तुम कौन? अरे अंकल उठो ना, इम्पोर्टेंट है. चलो ये आप फोन लो और इंडिया में व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजो. ये आप, अब बताओ क्या हुआ? मे बी शायद ऐसे. सुनिए जरा ठीक से पकड़िए, गर्दन लचक जाएगी. अच्छा रिया, तू तो ऐसी बड़ी हो गई. देख मुझे तो गर्दन भी नहीं पकड़नी आती. इट्स ओके मामा, इतना स्ट्रेस मत करो, इतना तो चलता है. या बट ही इज माय डैड एंड ही इज अ जेंटल गाय एंड हाउ डज दिस सॉल्व आवर प्रॉब्लम? लेट्स ट्राई दिस. भाई साहब जरा संभाल के, उसकी गर्दन लचक जाएगी. नहीं नहीं मामा, इट्स ओके मामा, इतना चलता है ना. नहीं एक्चुअली मम्मी जी ने सही कहा, पापा जी इसके ना थोड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं गर्दन ऐसे पकड़ने से, मैंने पढ़ा था. नहीं नहीं पापा जी, इट्स ओके, आपने ठीक से पकड़ी. इतनी घटिया एक्टिंग की तुम दोनों ने. फिर भी बड़ा कलेश होने से बच गया ना. हाँ पर वो फिक्शन था और ये रियलिटी है यार, अलग है ना. हाँ और ऐसे दूसरों के पेरेंट्स के लिए इतना प्यार, वो भी ऑटोमेटिकली, बस सूरज बढ़ जाता कि मूवी में पॉसिबल है. तुम्हारे दम में पॉइंट है, थोड़ी एक्टिंग तुम भी कर लो वैसे ही. मुझसे नहीं होती यार एक्टिंग वैक्टिंग. अच्छा तुम्हारे शाजी को कितने साल हुए? 7 साल. वाइफ का कैरेक्टर तो बड़ा अच्छा निभा रही हो. मैं तो हस्बैंड का कैरेक्टर भी अच्छा नहीं प्ले कर रहा. तुझे कौन बोल रहा है घर जाके नवाजुद्दीन बनने को? मुझे देख 15 साल लगे, उदय चोपड़ा था मैं, अब पंकज त्रिपाठी बन गया. अच्छा? मेरे इन-लॉज अभी घर पे, रोज नया ऑस्कर लेके जाता हूं. और एक आखिरी बात, जब तक तुम दोनों साथ में हो बाकी सब नॉइस ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा. मेरा भाषण खत्म, अब निकलो. तू ड्रॉप कर रहा है ना हमको? सॉरी आई एम बिजी. मैं उबर बुक करती हूँ. इतना टाइम वेस्ट हो गया ना बेकार में, सच तो मैं निकल ही जाता. एक्चुअली इट मेड मी थिंक. उसकी बात मेड यू थिंक? मतलब आई मिस अस वरुण, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. अरे इसके लुक्स एकदम मम्मी जी जैसा है. नहीं पर स्माइल तो पापा जी पे गया है.